और अब बात करते हैं सागर की, जहां मकरोनिया क्षेत्र के विद्यापुरम में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास परिसर में जल जमाव होने की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक आर्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया और वहां रह रहे बच्चों से बात की। उन्होंने बच्चों से कहा कि यदि आपको 2-3 दिन के लिए घर जाना हो तो जा सकते हैं, घर जाने की व्यवस्था करा दी जाएगी, और यही रहना चाहते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। अभी इस छात्रावास में कोई नहीं रहेगा, इसको जल्द ही मरम्मत करा कर ठीक कराया जाएगा। पानी निकासी की जगह बनाई जाएगी, जिसके बाद कलेक्टर ने पानी जमा होने के कारणों पर छात्रावास अधीक्षक और क्षेत्रवासियों से बात की। लोगों ने बताया कि शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है, जिस कारण से पानी जमा होने की स्थिति बनी है। बच्चे और क्षेत्रवासी पानी जमा होने से परेशान रहते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि यहां पुरानी पुलिया है, इस पर निर्माण किया गया है जो कि गलत है। मकरोनिया नगर पालिका ने अनुमति दी है तो गलत है। SDM को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण करने की अनुमति देने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, साथ ही नाले पर किए गए निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रावास परिसर में जमा हुए पानी की निकासी हो सके। मकरोनिया क्षेत्र के विद्यापुरम में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास परिसर में लगातार बारिश होने से पानी जमा हो गया था, जिससे छात्रावास में रहने वाले करीब 40 विद्यार्थियों को आवागमन में दिक्कतें हो रही थी। छात्रावास के बच्चों समेत अधीक्षक ने जल जमाव की समस्या को लेकर विभाग में शिकायत की थी, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। वही पानी जमा होने से बच्चों को सांप बिच्छू जैसे जीव जंतुओं का डर लगा रहता था। बच्चों ने छात्रावास में पानी जमा होने की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की थी। इसमें जो निर्माण किया गया है भवन का, वह गलत किया गया है, और यदि नगर पालिका ने इसकी अनुमति दी है तो वो भी गलत तरीके से दी है। उसकी जाँच के लिए मैंने SDM को बोला है कि अभी आज ही ये जाँच करवाएंगे।